पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह लगातार सक्रिय है। चोर गिरोह के सदस्य गाड़ी की चोरी कर रफ चक्कर हो जाते हैं। एक बार फिर शांति समिति के सदस्य की गाड़ी को निशाना बनाते हुए चोरी कर फरार हो गए। और यह ताजा मामला पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के नाला पर सब्जी मंडी का है, जहाँ 5 सितम्बर की शाम को भीड़ भाड़ वाले स्थान से खड़ी बाइक को 15 मिनट के अंदर चोर लेकर रफ चक्कर हो जाते हैं, जिसके बाद वाहन मालिक इसकी सूचना चौक थाने को दी और थाने में फिर मामला भी दर्ज करा दिया गया। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी शांति समिति के सदस्य रहे रामजी योगेश का भी स्कूटी घर के पास ही चोरी हो गई, जिसके भी अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। घटना के बाद शांति समिति के सदस्य विनोद अवस्थी ने बताया कि 15 मिनट के अंदर मेरी गाड़ी चोरी हो गई। लगातार चोरी की वारदात हो रही है, लेकिन इस पर अभी तक नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि गाड़ी चोर गिरोह के सदस्य को पुलिस कब तक पकड़ पाती है। नीति सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। सर देखिए, मामला ये है कि हमारा बेटा कल एक साथी के साथ नाला पर गया और कल बहुत ज़्यादा ही भीड़ था बीच को लेकर के। वो एक फल के किनारे में उस तरफ लगा दिया गाड़ी और मम्मी का बैग सिलवाना था, सिलवा करके देने गया और उसके अचानक दिमाग में आया कि गाड़ी गलत जगह हम लगा के आए हैं, भीड़ बहुत है, फिर गाड़ी के पास जाते हैं तो पुनः 15 मिनट के अंदर में आता है गाड़ी गायब। अब वो रोने लगा, कलपने लगा, तुरंत हमको फ़ोन किया, हम भी पहुँचे, वहाँ पहुँचे, इधर उधर वो छटपटा रहा है। फिर उसके बाद हमने चौक थाना को फ़ोन किया, डायरेक्ट इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब बोले कि इधर उधर देख लो, नहीं कुछ होता है तो आकर के आप रपट दर्ज कर दीजिए। मैंने रात में आने का कष्ट किया, आए, लेकिन कुछ कागजात की ज़रूरत थी जो सुबह में लेकर के हम कहा कि आते हैं। मामला दर्ज हो गई है? मामला दर्ज हो गया 422/2024। अच्छा, आप तो शांति समिति के सदस्य भी हैं और ये अक्सर जो है अन्य लोगों के साथ भी मोटरसाइकिल चोरियां हो रही है, ये लगातार पीस कमेटी के मेम्बरान हो या व्यापारी हो या स्थानीय नागरिक हो, ये लगातार चोरी हो रही है और इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। विगत वर्ष पहले हम लोग भी इस बात को बताया कि यह जो चोरी हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोग गलत रवैये से जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोग इस गाड़ी को यूज करते हैं और जहां मन में आता है यूज कर करके फेंक देते हैं, या धरने की बात पुलिस अगर धरती है तो पटक करके चले जाते हैं। ये बात तो उनके जहन में है और समझ में है, लेकिन गाड़ी की जब जैसे पता चला तो घाट के किनारे या शमशान एरिया में उनकी पैंथर या पुलिस प्रक्रिया से चेक किया जा सकता था। मैंने गाड़ी नंबर दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब बताइए कि आपके साथ जो कल घटना घटी है चोरी का, बाइक चोरी का, ये किस टाइम की घटना है? 7:15 शाम का है, 7:15 शाम को, और 9 बजे तक सारी प्रक्रिया मैंने कर दिया। कौन सी गाड़ी थी आपकी? ग्लैमर है, 4 साल पहले हमने खरीदा है, क्योंकि मेरी बाइक टीचर है। आपको पुलिस प्रशासन से आपका क्या मांग है? पुलिस प्रशासन से मांग है कि आप वायरलेस ऑपरेट करते, गाड़ी नंबर देते, चारों तरफ कम से कम घाट के किनारे भी चेकआउट होता तो हो सकता, क्योंकि ये संज्ञान में आया है कई गाड़ियां जैसे चोरी हुआ है मॉल के पास से, स्टेशन के पास से, और लोग घाट के किनारे गए हैं, गाड़ी प्राप्त हुआ है। अब हम अपने निहत्थे, हम कहाँ मोटरसाइकिल, आप अपना पर्चा दे दें। मेरा नाम डॉक्टर विनोद अवस्थी हुआ। एक बात और बता दें, हम पीस कमेटी के हिस्से से, जब थाने से गाड़ी उठ सकता है तो हम तो आम पब्लिक हैं।